मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री श्री प्रहलाद पटेल को पत्र लिखकर उनसे छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पर्यटन परिपथ को विकसित करने के लिए तैयार किए गए कॉन्सेप्ट प्लान को केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया है। छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पर्यटन परिपथ विकसित करने के लिए छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग द्वारा 9 स्थलों का चयन करते हुए 137 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत का एक कॉन्सेप्ट प्लान तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल प्रतिदिन कर रहे हैं क्वारंटाइन सेंटरों की मॉनिटरिंग। जन समुदाय में कोरोना संक्रमण न फैले इसके लिए अत्यंत सतर्कता बरतने के उन्होंने निर्देश दिए हैं। इस संबंध में मुख्य सचिव श्री आरपी मंडल ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को परिपत्र जारी कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए प्रदेश में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटरों में रह रहे श्रमिकों और अन्य लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, उनके ठहरने, भोजन, पेयजल, स्वास्थ्य जांच, मनोरंजन सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुचारू रूप से उपलब्ध हों। साथ ही मुख्यमंत्री ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास के प्रमुख सचिव को क्वारंटाइन सेंटरों की व्यवस्थाओं की नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में कोरोना महामारी से बचाव के लिए 19,374 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें वर्तमान में 2,23,150 लोग रह रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने संत कबीर साहब की जयंती पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि कबीर साहब न सिर्फ एक आध्यात्मिक संत थे बल्कि वे एक समाज सुधारक और युग प्रवर्तक भी थे। उनके विचारों ने भारत समेत पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। आज मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रतिनिधि मंडल ने मिलकर 5 लाख रुपए का चेक मुख्यमंत्री सहायता कोष हेतु दिया। बैंक ऑफ बड़ौदा के इस सहयोग के लिए मुख्यमंत्री जी ने जताया आभार। बाढ़ आपदा से निपटने, राहत और बचाव कार्य के लिए राज्य आपदा मोचन बल और बाढ़ बचाव दल द्वारा नवा रायपुर में पूर्वाभ्यास किया गया। राज्य आपदा मोचन दल के सदस्यों ने मोटर बोट, OBM मशीन, अंडर वाटर कैमरा, डाइविंग स्क्रूवा और अन्य उपकरणों के साथ अभ्यास किया। पूर्वाभ्यास संभागीय सेनानी श्रीमती अनिमा एस कुजूर और जिला सेनानी श्री SK मिश्रा के संयुक्त निर्देशन में किया गया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर प्रदेश में विकास खंड स्तरीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों को ITI के साथ समन्वय करके मिलेगी रोजगार उन्मुखी व्यवसायी शिक्षा। साथ ही व्यवसायी पाठ्यक्रम इसी शिक्षा सत्र से प्रारंभ किया जाना है। इस संबंध में जिला कलेक्टरों को शीघ्र कार्य योजना बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। राज्य शासन द्वारा आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत अन्य राज्यों से वापस आए प्रवासी श्रमिकों और अन्य व्यक्तियों जिनके पास किसी भी योजना के अंतर्गत राशन कार्ड नहीं है, उन्हें माह मई और जून में प्रति सदस्य 5 किलो चावल और चना प्रति परिवार निःशुल्क प्रदाय किए जाने हेतु निर्देश जारी किए गए हैं। विभागीय वेबसाइट में दर्ज जानकारी के अनुसार योजना अंतर्गत 3 जून तक 16,482 सदस्यों का पंजीयन किया गया है और जिन्होंने अभी तक पंजीयन नहीं करवाया है, खाद्य विभाग की जन भागीदारी वेबसाइट में ऑनलाइन पंजीयन हेतु प्रावधान दिया गया है। साथ ही आधार के स्थान पर अन्य फोटो ID के इस्तेमाल हेतु अनुमति दी गई है। पंखों को दिया खुला आसमान। शासन द्वारा निर्मित आदर्श गौठान बेमेतरा जिले में महुआ भाटा में ये कहावत चरितार्थ होती नजर आ रही है। बेमेतरा जिले के महुआ भाटा अंतर्गत निर्मित आदर्श गौठान में महिला स्व सहायता समूहों की मेहनत और शासन के प्रयास से वहां की महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं। महुआ भाटा के गौठान में महुआ स्व सहायता समूह और कल्पना महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं के मेहनत का नतीजा है कि वहां मशरूम उत्पादन की कल्पना को चरितार्थ किया जा रहा है। साथ ही दोनों समूहों के द्वारा वर्तमान में 120 बैग लगाए गए हैं जिसमें कुछ ही समय में मशरूम का उत्पादन होना प्रारंभ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार आज 4 जून को छत्तीसगढ़ में COVID-19 की स्थिति। छत्तीसगढ़ में अब तक कुल 771 केस पाए गए हैं जिनमें से 206 ठीक हो चुके हैं और 563 कोरोना पॉजिटिव हैं। देश जीतेगा, कोरोना हारेगा।